हम सब के लिए मुबारक मौका है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने हमें मोहलत दी, हम जिंदा हैं, और अल्लाह करे कि रमज़ान साथ सबको नसीब हो। रमज़ान एक ख़ास महीना है जो अल्लाह की रहमतों को लेने का है। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये पहले किसी उम्मत के लिए नहीं था। उनका रोज़ा मशक्क़त वाला था, इफ्तारी से इफ्तारी। हमारा रोज़ा उसके मुकाबले में बहुत आसान है, सहरी भी इफ्तारी भी। उनकी नमाज तरावी नहीं थी, हमारी नमाज तरावी है कुरान सुनने के लिए, कुरान को ज़िंदा रखने के लिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है 24 घंटे दिन रात, ये ऐलान होता है, हल मिन मुस्तग़फिरिन फ़ाग़फिर लहू, हल मिन तायबिन फ़अतूब अलैह, हल मिन साइलिन फ़अउतियहू। ये तीन आवाज़ें 24 घंटे चलती हैं आसमानों पर। कोई है माफ़ी मांगने वाला, मैं उसे माफ़ करूं, कोई है तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा को कबूल करूं, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। और फिर एक फरिश्ता ऐलान करता है, या बागिल खैर अकबिल, ऐ नेकी के चाहने वाले ज़ोर लगा, आगे बढ़ा। और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है, या बाग शर अदबिर, ऐ गुनाहों में डूबे हुए इंसान वापस आ जा, अल्लाह की छाँव में आ जा, अल्लाह की रहमत में आ जा, अल्लाह की बख्शिश की चादर में अपने आप को छुपा ले। और इसमें फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलातो वस्सलाम का फरमान है कि कोई शख्स एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दे, फिर उसकी कज़ा में क़्यामत तक अमली नफली रोज़े रखता रहे, तो उस एक फ़र्ज़ को नहीं पहुँच सकता। तो सारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि रोज़े का अहतमाम फरमाएं और अल्लाह की रहमत को लूट लें। और मैं एक हदीस सुनाता हूँ कि मेरे नबी ने किस तरह रमज़ान का इस्तकबाल किया। आप मेंबर पर तशरीफ़ लाए, खसूसी तौर पर जमा किया, या जुमे का खुतबा था तो आप खुतबा बैठ के नहीं देते थे, खड़े होके देते थे, चूँकि आपका खुतबा मुख्तसर होता था। तो आपने फरमाया, माज़ा यस्तक़बिलुकुम माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है, मफहूम है, लफ्ज़ी तर्जमानी मफहूम अदर। हमने कहा वो कौन आ रहा है और तुम किसकी तरफ जा रहे हो, सब यूं यूं हो गए। फिर आपने कहा, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है और तुम किसकी तरफ जा रहे हो। सारे सहाबा में हलचल मच गई। तीसरी दफ़ा, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है, किसकी तरफ जा रहे हो। सारे पीछे मुड़ मुड़ के देखें, पीछे तो कोई भी नहीं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए अलैहि सलातो वस्सलाम। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह अवहयुन नज़ल, या रसूल अल्लाह कोई वही आई है। आपने फरमाया, ला, कर नहीं। अदुवुन हवर, अल्लाह ने आपको आंख दी है देखने वाली, तो क्या कोई दुश्मन मदीने की तरफ आ रहा है और आपने देख लिया है और वो हम पर हमला करने आ रहा है, हम तैयारी करें। आपने कहा, अल्लाह नहीं, ये भी नहीं। तो उन्होंने पूछा, भाई या रसूलुल्लाह कौन आ रहा है, तो आपने कहा, रमजान आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज था मुतवज्जे करने का, आजमत बिठाने का, हैबत बिठाने का, रमज़ान आ रहा है। फिर आपने उसके फ़ज़ाइल सुनाए कि इसमें जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, और जन्नत की हूरें अल्लाह से दुआ करती हैं, या अल्लाह इस रमज़ान में अपने नेक बंदों में हमारे शोहर हमारे लिए मुंतखब फरमा और उनके ज़रिए हमारी आँखें ठंडी फरमा। और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं, शैतान कैद हो जाता है,
قریص رمضان کا مطلب ہے جلنا رمض یرمز جلنا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی سے لے کر آخر تک رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام طے ہوا رمضان تو اس مہینے کے نام اور روزے میں کیا مطابقت ہے ان میں جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پچھلے سال کے جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں یہاں تک اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور ظاہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں کبھی حسد کبھی بغض کبھی کینہ کبھی کچھ کبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا میں اس مزدوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں